पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज के मंगल आशीष से अरहम जीव दया भारत संस्कारित और मजबूत जैन समाज के निर्माण हेतु आर्थिक रूप से असमर्थ एवं कठिन परिस्थितियों का सामना कर रहे परिवारों के लिए कर रहा है अद्वितीय सेवा कार्य। आप सभी साधर्मी बंधुओं से अनुरोध है कि आप भी गौ ग्रास औषधि निधि कोष, बेटा बेटी शिक्षा निधि कोष, बेटा बेटी चिकित्सा निधि कोष, व्रति ब्रह्मचारी भैया दीदी निधि कोष, अपना आहार योजना और रोजी रोटी निधि कोष में 2500 रूपए प्रति माह या 1000 रूपए प्रति माह के साथ जुड़कर जीव दया और साधर्मी सेवा के इस पुनीत कार्य में अवश्य सहयोग करें। दान राशि नीचे दिए गए बैंक डिटेल्स में भेजकर रसीद के लिए 9717857614 पर अवश्य सूचित करें। अकाउंट नेम ओम अरहम सोशल वेलफेयर फाउंडेशन। संपर्क सूत्र 9717857614 8586984798798104375798104369400। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रूपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। और हम योग प्रणेता पूज्य गुरुवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। अरहम ध्यान योग 16 कारण भावना ध्यान की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। ध्यान की इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए चलिए छठी भावना तप भावना की ओर बढ़ते हैं। संसार के दुखों से मुक्ति पाने का एकमात्र उपाय जो तीर्थंकर भगवान ने हमें बताया है वह है तप के द्वारा कर्मों की नेचरा। तप के दोनों स्वरूप बाह्य और अंतरंग को अपना कर ही मोक्ष लक्ष्मी को प्राप्त किया जा सकता है। तो चलिए पंच मुद्रा की पहली मुद्रा के साथ प्रारंभ करते हैं। सीधे बैठ जाइए, आंखें बंद, कमर सीधी, गर्दन सीधी। पहली मुद्रा है अरिहंत मुद्रा कहते हैं। दोनों हाथों को ऊपर ले जाकर दोनों हाथ जोड़ करके अपनी भुजाओं को कान के पास से सीधा लेकर थोड़ा सा स्ट्रेच ऊपर की ओर देते हुए खींच कर रखेंगे। आसन सुखासन हो, अर्ध पद्मासन हो तो बहुत अच्छा है। और इसी मुद्रा के साथ 5 बार ओम अरहम नमः का आंख बंद करके पूरे ध्यान से जप करें। ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। रिलैक्स। प्रार्थना मुद्रा। भावनाओं में छठवीं भावना है तपो भावना। इस भावना को भाने के लिए कुछ विचार इस तरह से अपने मन में लाते हैं। तीर्थंकर भगवंत सभी ने एक मार्ग दिखलाया है,
अष्ट कर्म के नाश करण का तप उपाय बतलाया है। अनशन अवमोदर भेदों से छह प्रकार तप बाह्य रहा। अंतरंग तप विनय आदि भी छह प्रकार से सदा कहा। अंतरंग तप की वृद्धि का कारण बाहर का तप है। जिस तप से संक्लेश न होवे वह अंतर का साधक है। यथाशक्ति तप करना तपसी शक्ति छिपाना धर्म नहीं। उस तप से क्या अर्थ रहा यदि तपो भावना पुनः नहीं। जीव कर्म का ज्यों अनादि से बंध रहा त्यों तन का भी। तन में आत्म रमता भ्रमता मोह बढ़ाता ममता भी। इसी मोह का क्षय कर देना तप का काम अनूठा है। किए बिना तप मोक्ष दिखाए सच मानो वह झूठा है। बड़े बड़े उपवासादिक यदि करने की सामर्थ्य न हो तो भी समकित की शुद्धि से अल्प तपस्या बहुत अहो। यदि तप फल से चाह रहा तू कीर्ति कामिनी पूजा को तो तप तेरा वह निष्फल ज्यों कृषक चाहता भूसा को। सभी जगह पर सभी मतों में अनशन आदिक तप देखे सुलभ दिखते सभी जनों को आत्मज्ञान से अन देखे। जीव दया सह इंद्रिय संयम वा शिव पथ की अभिलाषा। समीचीन संयम सह तपना दुर्लभ ना हो जग आशा। तप करते करते साधक के भाव विकारी नशते हैं। क्रोध मान इच्छाएं तम हैं तप रति लख सब भगते हैं। जैसे जैसे बढ़ती जाए तपो भावना मुनि मन में तैसे तैसे बढ़ती जाए निज रुचि समता आत्म में। जो अनादि से मोह जनित है ब्रह्म तन में ही आत्म का वो अनादि भ्रम विगलित होवे रूप दिखे परमात्म का। वह तप से ही होता देखा चतुगति भ्रमण मिटा देना। तपो भावना निरत मनीषी सुख दुख से फिर क्या लेना। तप तपने का मुख्य कार्य है पाप हानि अठ विध विधि की। आत्म भावना देती सबको मोह हानि फिर चिर अघ की। तपो भावना ज्ञान भावना दोनों का संयोग बने। आत्म शुद्धि हो निज स्वभाव की उपलब्धि का योग बने। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। 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 ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु।
ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु। ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु।
ओम ह्रीम अरहम तपो भावना ममास्तु, 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 ओम अरहम नमः, 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 ओम अरहम नमः। अपनी हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति, ओम अरहम परम शांति। इस 10 लक्षण कुछ अलग करें। क्या आप अपने जीवन की दौड़ से थक चुके हैं और एक स्ट्रेस फ्री ब्रेक लेना चाहते हैं? तो आपके लिए लेकर आए हैं अरहम स्वधर्म शिविर, टू डिटॉक्सिफाई योर माइंड बॉडी एंड सोल। इस प्रयोगशाला में आपको मिलेंगे इफेक्टिव लाइफ टिप्स, हेल्थ पॉइंटर्स और जीवन की विकट समस्याओं का सरल समाधान। कि कई बच्चे दूसरी दूसरी जगहों पर जाकर के अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करते हैं, पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए तरह तरह के मेडिटेशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर आपकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन भी किया जाएगा और आपकी बॉडी को, आपके माइंड को, आपकी सोल को इतना ऑक्सीफाइड कर दिया जाएगा, इतना ऑक्सीजन से भर दिया जाएगा कि अगले कई वर्षों तक आपकी अंदर कभी भी कोई भी टॉक्सिक एसिड और टॉक्सिक मैटर जमा नहीं होगा। ये जो हमारे अंदर ऑक्सीजन का आना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकल जाना, ये केवल बॉडी के अंदर नहीं होता, ये माइंड में भी होता है। जो माइंड में हमारे इल थॉट्स होते हैं, बैड थॉट्स होते हैं, उनको निकालने के लिए हमें एक प्रोसेस करनी पड़ती है, जो प्रोसेस हमारी सोल तक टच करती है। और उस प्रोसेस के माध्यम से जब व्यक्ति 10 दिन तक धर्म का भीतर से अनुभव करेगा तो उसे अनुभूति होगी धर्म बाहर नहीं है, धर्म हमारे भीतर है। इसलिए इस धर्म का नाम है स्वधर्म संस्कार शिविर, स्वधर्म स्वात्म साधना शिविर। और इस प्रकार के शिविर में भाग लेने के लिए आप अपने बच्चों को आगे लाएं। अरहम ध्यान योग के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और विविध प्रकार के ध्यान का आनंद लें।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे। प्रणम्य वाणी देवदूत, प्रणम्य गुरु की वाणी पहुँचे घर घर, सम्यक ज्ञान पर भावना हो हर घर। सभी प्रणम्य वाणी देवदूत के पुण्य की बहुत बहुत अनुमोदना। मात्र 12,000 रुपए वार्षिक सहयोग राशि प्रदान कर प्रणम्य वाणी देवदूत बने। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। पृथ्वी को कौन घुमाएगा, किससे घूम रही पृथ्वी, लॉजिक दो कुछ। कहां से घूम रही पृथ्वी, किसके कारण से घूम रही, कौन घुमाने वाला है, कुछ बताओ तो। हवा घुमा रही है, कौन घुमा रहा है। हवा का घूमना है तो फिर हवा तो हमेशा अपनी डायरेक्शन बदलती रहती है। कभी पूरब से हवा चलती, कभी उत्तर से हवा चलती, तो कभी पृथ्वी इधर घूमेगी, कभी उधर घूमनी चाहिए। क्या घूमता है, कौन घुमाता है। अगर कोई पृथ्वी को और जिसकी भी स्पीड बताई जाती है लाखों किलोमीटर में, वो इसकी जो है स्पीड से घूम रही है, इतनी स्पीड से अगर कोई चीज़ घूमेगी तो उसके आश्रित रहने वाला जो जल होगा, समुद्र होगा, उनका पानी कहाँ जाएगा।